my channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful story named A Partnership. This is a story of your Seashore English book class 7th, and without further delay, let's get started. Chapter 5. This is the chapter 5 of your English book, Seashore English book class 7th, and name of the chapter is A Partnership. Let's connect. First of all, we read about what has been given in this section. Share your thoughts in class. आप अपने जो thought है वो class में share कीजिए. What is trust? Trust का मतलब student भरोसा. वो क्या होता है? Do you think people trust you? क्या आप समझते हैं? क्या आप सोचते हैं कि जो लोग हैं वो आप पे trust करते हैं? Why or why not? क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? Is there anyone you do not trust? क्या कोई भी है जिस पे आप trust नहीं करते हो? Why don't you trust this person? और करते भी हो तो क्यों करते हो? Would you tell a secret to someone you don't trust? और आप जिनको trust नहीं करते हो तो आप उनके साथ secret share करते हो? What role does trust play in maintaining a relationship? और क्या role trust play करता है relationship को maintain करने में? तो student trust क्या होता है? जब हम किसी पे भरोसा करते हैं और हम उसको कोई जिम्मेदारी या काम सौंपते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा भरोसा बनाए रखे और हमारे साथ धोखा ना करे. The other person never deceive us. हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमें कभी धोखा ना दे. तो स्टूडेंट ये चैप्टर है. अब हमें इतना समझ में आया कि लेट्स कनेक्ट में दिया है ट्रस्ट के बारे में है आपके पास ये स्टोरी. तो पढ़ते हैं इसमें किसका ट्रस्ट किसने किया और किसने नहीं किया. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. A certain cat had made the acquaintance of a mouse and had said so much to him about the great love and friendship she felt for him. एक कैट जो जान पहचान बनाती है एक माउस के साथ और बोलती है उसको कि वो क्या है उसको बहुत प्यार करती है और वो उसके बारे में फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती चाहती है उससे लंबे टाइम तक. और जो माउस है दैट द माउस एग्रीड दैट दे शुड लिव एंड कीप हाउस टुगेदर. और वो माउस है वो उसकी बातों में आ जाता है और एग्री यानी कि सहमत हो जाता है कि हम साथ रहेंगे और एक ही घर में रहेंगे. But we must make a provision for winter or else we shall suffer from hunger, said the cat. And you, little mouse, cannot venture everywhere, or you will be caught in a trap someday. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कैट है वो बोल रही है कि हमें क्या करना पड़ेगा आपस में कुछ भी चीज हो उसके बारे में हमें ये करना पड़ेगा कि उसको शेड्यूल करना पड़ेगा उसको नियोजित करना पड़ेगा उसकी फिक्स करनी पड़ेगी. विंटर के लिए हमें कुछ सामान देखना पड़ेगा अपने लायक. और else we shall suffer from hunger. अगर हम अपनी जो प्रोविजन यानी कि अगर हम अपने के लिए बंदोबस्त नहीं कर पाए तो हमें भूख से भूख का सामना करना पड़ेगा. ये कैट ने माउस से कहा और कैट ने कहा कि तुम लिटिल माउस जो हो वो इधर उधर ये ऐसे काम मत करना कि किसी दिन तुम ट्रैप में फंस जाओ. ठीक है ट्रैप में फंस जाओगे तो क्या हो जाएगा कोई तुम्हें क्या कर देगा मार देगा. द गुड एडवाइस वॉज फॉलोड. ये जो गुड एडवाइस कैट ने दी माउस को वो फॉलो किया और एक पॉट जो फैट से भरा हुआ था वो लाया गया. बट दे डिड नॉट नो वेयर टू पुट इट. तो वो जो पॉट था वो किसके लिए लाए थे उन्होंने कहा जो विंटर के लिए हमारे काम आ जाए हम अपना बंदोबस्त करें खाने का. माउस से कहा कैट ने जैसे की पर अब वो जो पॉट ऑफ फैट था वो ला तो गए पर वो रखते कहा उसको ये नहीं पता चला. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्वेटेंस का मतलब जान पहचान जैसे कि कैट ने लगाई दोस्ती किसके साथ माउस के साथ कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा मानती हूँ और मेरे से दोस्ती कर लो बहुत लॉन्ग टाइम तक. वेंचर का मतलब स्टूडेंट जोखिम का काम जैसे कि अगर माउस कोई ऐसा काम करे जिससे कि ट्रैप में यानी कि जाल में फंस जाए और वो कोई भी उसको क्या कर देगा मार देगा. प्रोविजन का मतलब बंदोबस्त करना एक तरफ से बोलते हैं ना बंदोबस्त करिए. तो एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज यानी कि जो चीज यूज में आने वाली है उसके लिए कुछ किया जाए. तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. At length, after much consideration, the cat said, "I know no place where it will be better stored up than in the church." Or after much consideration का मतलब सोच विचार करके बहुत टाइम लगा सोच विचार करने में जो कैट है उसने कहा मुझे तो ऐसा कोई भी प्लेस नहीं पता जहां हम स्टोर करके रखें इस पॉट ऑफ फैट को. ठीक है और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो चर्च है ठीक है वही सही जगह है और कोई भी वहां उसको अपने साथ ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा. We will set it beneath the altar and not touch it until we are really in need of it. हमें इसको अल्टर के नीचे रखना पड़ेगा. अल्टर क्या होता है स्टूडेंट ये ठीक है यहाँ पे ये प्लेस होता है. ठीक है ये जगह होती है थोड़ी सरफेस इसका थोड़ा अप होता है और यहाँ पे कोई गिफ्ट वगैरह या ऐसे रख सकते हो जो भी आप ऑफरिंग करेंगे मतलब एक यीशु क्राइस्ट को. ठीक है तो ऐसे कर उसको बोलते हैं अल्टर स्टूडेंट. And not touch it until we are really in need of it. और हम touch नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. So the pot was placed in safety. इसलिए जो pot है उसको safety यानी कि ऐसी सुरक्षित जगह रखा गया. But it was not long before the cat had a great yearning for it. और
बहुत ज्यादा देर तक जो कैट है वो नहीं रह सकी, ठीक है, सेड टू द माउस, हमें जब तक बहुत ही ज्यादा लालसा ना हो जाए इस चीज की, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग लिटिल माउस, माई कजिन हैज ब्रॉट अ लिटिल सन इन टू द वर्ल्ड एंड हैज आस्क्ड मी टू बी हिज गॉड मदर। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ माउस, कि मेरा जो कजिन है वो एक लिटिल सन को इस वर्ल्ड में लाया है, यानी कि उसका जन्म हुआ है, और वो मुझसे पूछ रहा है कि तुम इसकी गॉड मदर बनोगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इस वर्ल्ड है उनका मीनिंग हम समझ लेते हैं। कंसिडर सन का मतलब बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने कौन सी जगह ढूंढी, चर्च को, और चर्च में कहाँ रखेंगे, एल्टर के नीचे, बेनिथ का मतलब नीचे, यानी का मतलब जब तक हमारी बहुत ही ज्यादा डिजायर ना हो तब तक हम उसको खाएंगे नहीं, यानी कि जो फैट पॉट में रखा है। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ही इज वाइट विद ब्राउन स्पॉट्स एंड आई एम टू टोल्ड हिम ओवर द फोन एट द क्रिश्चनिंग। और वो क्या है, उस पे वाइट ब्राउन स्पॉट्स है, और मैंने उसको कहा है कि उसको होल्ड करो किसके ऊपर, जो फोन है, फोन का मतलब ये होता है स्टूडेंट एक कंटेनर जिसमें वाटर को बैप्टिज्म के लिए हेल्ड किया रखा जाता है, जैसे कि ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट फॉन्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बैप्टिज्म क्या होता है, एक रिचुअल होता है जिसमें कि जो जो भी जन्मे हैं उनको प्योरिफिकेशन यानी कि उनको शुद्ध करना, ठीक है, तो ये होता है बैप्टिज्म। और आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो अच्छा से पढ़ा होगा आपने ये वर्ड। और क्रिश्चनिंग का मतलब क्रिश्चियन सेरेमनी जिसमें बेबी को नाम दिया जाता है, तो ऐसा कहा बिल्ली ने। लेट मी गो आउट टूडे एंड यू लुक आफ्टर द हाउस बाई योर सेल्फ, मुझे जाने दो अब और तुम इस घर को देख लेना अपने आप ही। तो माउस ने कहा हाँ हाँ यस यस, आंसर द माउस, बाय ऑल मीन्स गो एंड इफ यू गेट एनीथिंग वेरी गुड टू ईट थिंक ऑफ मी, और जो भी है मैं देख लूंगा, और कुछ भी मिलेगा खाने को तो मेरे बारे में मत सोचना। आई वुड लाइक अ ड्रॉप ऑफ स्वीट रेड क्रिश्चनिंग बाय माई सेल्फ, और मैं जो स्वीट रेड का ड्रॉप है वो मैं पी लूंगा अगर मेरा मन करेगा। ऑल दिस हाउएवर वाज अनट्रू, ये सब क्या था, झूठ था, जो कैट ने माउस से कहा वो सब कुछ झूठ था। द कैट हैड नो कजिन, कैट की कोई भी कजिन नहीं है, एंड हैड नॉट बीन आस्क्ड टू बी अ गॉड मदर, और ऐसा भी नहीं कहा गया था उसको कि गॉड मदर बने वो। सी वेंट स्ट्रेट टू द चर्च, और वो वहां कहाँ गई, चर्च में गई। स्टोल टू द पॉट ऑफ फैट, और उसने चुरा लिया, स्टोल का मतलब स्टूडेंट चुपचाप से चले गई पॉट ऑफ फैट को निकालने। बिगिन टू लिक एट इट, और चाटने लगी, एंड लिक द टॉप ऑफ द फैट ऑफ, और जो उसके टॉप है जो फैट रखा था पॉट में उसका टॉप चाटने लगी, कौन, बिल्ली। देन शी टुक अ वॉक अपॉन द रूफ ऑफ द टाउन, और घूमने लगी टाउन के रूफ में। लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज, और भी देखने लगी अपना अपॉर्चुनिटीज खाने के। देन स्ट्रेस हर सेल्फ इन द सन, अपने को मजे से लेटी रही सन में, एंड लिक्ड हर लिप्स, अपने ऊंट चाटे। व्हेन एवर सी थॉट ऑफ द पॉट ऑफ फैट, अब जो वो सोचने लगी पॉट ऑफ फैट के बारे में। नॉट अंटिल इट वॉज इवनिंग सी रिटर्न होम, और उसके बाद वो इवनिंग होते ही, जब तक इवनिंग नहीं हो गई उसने तब तक वहीं रही, और उसके बाद रिटर्न यानी कि घर आ गई। Well, here you are again, said the mouse. No doubt you have had a merry day. तो अब माउस कह रहा है कि अच्छा तुम्हारा दिन तो अच्छा गया होगा, तुम्हारा तो दिन बहुत ही खुशनुमा गया होगा। All went off well, answered the cat. कैट ने कहा कि सब कुछ ठीक है वहां। What name did they give the child? asked the mouse. माउस ने कहा उसका नाम क्या रखा, जहां तुम गई थी उनका नाम रखा क्या? तो नाम बोला कैट ने टॉप ऑफ रखा। तो माउस ने कहा टॉप ऑफ, ये क्यों भी नाम हुआ, ये तो बहुत ही ऑड यानी कि पुराना सा नाम लग रहा है, और इसको तो मैंने सुना भी नहीं है, ऐसा माउस ने कहा। इट इज अ यूजुअल वन इन योर फैमिली, ये तो मैंने सुना भी नहीं है ज्यादा। व्हाट डज दैट मैटर, सेड द कैट, तो कैट ने कहा तुम्हें क्या मतलब कुछ भी रखे नाम। इट इज नो वर्स देन क्रम स्टीलर एज योर गॉड चिल्ड्रन आर कॉल्ड, और ये इतने से तो उतना ज्यादा बुरा तो नहीं है ना, जैसे जो नाम होता है क्रम स्टीलर का मतलब जो ब्रेड का टुकड़ा चुराते हैं, तो उससे तो अच्छा ही नाम होगा ये, कैट ने माउस से कहा। और एज योर गॉड चिल्ड्रन आर कॉल्ड, जैसे कि जो तुम्हारे गॉड चिल्ड्रन उनको कहा जाता था, तो इससे तो अच्छा ही नाम है ये टॉप ऑफ, तो ये बिल्ली ने कहा चूहे से। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड है मैंने आपको बता दिया, जिसमें फॉन्ट का मतलब कंटेनर जिसमें कि जो वाटर है उसको हेल्ड किया जाता है बैप्टिज्म के लिए। बैप्टिज्म में एक रिचुअल हुआ जिसमें कि प्योरिफिकेशन किया जाता है आत्मा की, यानी कि जो भी पैदा हुआ उसको, ठीक है। क्रिश्चनिंग का मतलब क्रिश्चियन सेरेमनी जिसमें बेबी को नाम रखा जाता है। स्टूल का मतलब जैसे कि तुम चाप गई और उसने पॉट ऑफ फैट को चाट दिया। वर्ड्स का मतलब इससे ज्यादा बुरा नाम क्या होगा, जैसे कि जो नाम है क्रम स्टीलर, ठीक है, जो तुम्हारे कॉर चिल्ड्रन को कहा गया। और स्टूडेंट क्रम स्टीलर का मतलब जो ये जो ब्रेड वगैरह के जो हो गया बचा हुआ खाना ये जो चुराते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो अभी तक हमें समझ में आया कि जो बिल्ली है वो उल्लू बना रही थी, बेवकूफ बना रही थी, किसको, चूहे को बना रही थी, और चूहा को लगा कि ये सच में वहां जा रही है, और वो तभी उसे पूछ रहा है कि जहां तुम गई थी वहां नाम क्या रखा। तो स्टूडेंट
ऐसे करके जो कैट है उसने, जो माउस ने जो उस पर ट्रस्ट किया ना, तो उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया, किसने, कैट ने। वेरी सून द कैट वॉज सीज बाय अनदर फिट ऑफ यर्निंग, और फिर से उसको ललक हुई, ठीक है, फिर से उसको ललक हुई कि मैं फिर से जाऊं चाटने के लिए। कौन वो पॉट? सी सेड टू द माउस, यू मस्ट डू मी अ फेवर एंड वंस मोर मैनेज द हाउस फॉर अ डे अलोन। फिर उसने माउस से झूठ कहा कि मेरा फेवर करोगे, मेरी हेल्प करोगे, आज भी हाउस देख लोगे अकेले अकेले। आई एम अगेन आस्क्ड टू बी गॉड मदर, मुझे फिर से कहा गया गॉड मदर बनने को। एंड एज द चाइल्ड हैज अ वाइट रिंग राउंड इट्स नेक, और उस चाइल्ड के क्या है, सफेद सफेद रिंग है नेक के इर्द गिर्द। आई कैन नॉट रिफ्यूज, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई, कैट ने ऐसा माउस से कहा। The good mouse consented, और जो माउस है वो एग्री हो गया। बट द कैट क्रेप बिहाइंड द टाउन वॉल्स टू द चर्च, और जो कैट है वो कहाँ घूमती फिरी, जो टाउन वॉल्स है, जो चर्च के पीछे है, उन टाउन वॉल में। एंड दे वुड हैव द पॉट ऑफ फैट, और जल्दी जल्दी खा लिया उसने पॉट ऑफ फैट फिर से। नथिंग एवर सीम सो गुड एज वट वन कीप्स टू वन सेल्फ, और कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगा जैसे कि रखना चाहिए खुद को। सेट सी एंड सो एंड वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद हर डेज वर्क, और बहुत ही अपने को सेटिस्फाई रखने के बाद, वो पॉट ऑफ फैट लीक करने के बाद उसको लगा कि मैं अपने काम से सेटिस्फाई हूँ। व्हेन सी वेंट होम द माउस इंक्वायर्ड व्हाट वाज दिस चाइल्ड क्रिश्चन, और जब वो घर गई तो फिर से माउस ने पूछा कि वो जो चाइल्ड है वो क्या, जो आज उसको क्या किया गया, बिल्कुल उसका नाम रखा गया, तो वो क्या रखा गया नाम, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो स्टोल का मतलब चुपचाप से जाना, ये हमने पढ़ लिया था। कंसेंटेड का मतलब हुआ राजी होना, यानी कि मान लेना, जैसे कि माउस ने कहा मैं देख लूंगा तुम चलो। डेवल्ट का मतलब जल्दी जल्दी खाना, फिर से कैट गई वहां, फिर से उसने जो पॉट ऑफ फैट था उसको फिर से खा लिया। हाफ डन आंसर द कैट, अब आंसर किया कैट ने कि क्या है उसका नाम क्या रखा, हाफ डन। हाफ डन व्हाट आर यू सेइंग, हाफ डन ये क्या नाम हुआ, माउस ने कहा। आई हैव नेवर हर्ड दैट नेम इन माई लाइफ, आई विल वेगर एनीथिंग इट इज नॉट इन द कैलेंडर, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, मैं शर्त तो लगाता हूँ कि ये नाम तो कैलेंडर में भी नहीं है, और ये नाम मैंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सुना जो तुम कह रही हो हाफ डन। अ फ्यू डेज लेटर, ये लेटर होगा स्टूडेंट LATER, ठीक है। द कैट्स माउथ बिगिन टू वाटर फॉर सम मोर लिकिंग, अब जो कैट यानी कि उसका माउथ फिर लालसा हो गई उसको कि मैं और भी खाऊं उस पॉट में जो भी अभी बचा हुआ अभी भी। ऑल गुड थिंग्स गो इन थ्रीज सेड सी, आई एम आज टू स्टैंड गॉड मदर अगेन, और जो भी गुड थिंग है ठीक है उसमें इतना टाइम लग रहा है, और उसने फिर से पूछा कि मुझे गॉड मदर बनने को कहा है, मैं फिर से जाऊं। द चाइल्ड इज क्वाइट ब्लैक, अब वो चाइल्ड है वो क्या है, काला है। ओनली इट हैज व्हाइट पॉज, और उसके केवल सफेद पंजे हैं, बट विद दैट एक्सेप्शन इट हैज नॉट अ सिंगल व्हाइट हेयर ऑन इट्स होल बॉडी, दिस ओनली हैपेंस वंस एवरी फ्यू ईयर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है, या जैसे कि उसके जो बॉडी में वो व्हाइट हेयर है बट ये कभी किसी साल में होता है। यू विल लेट मी गो वॉन्ट यू वो डोंट यू, तो मुझे जाने दोगे क्या, चाहते तुम कि मैं जाऊं। टॉप ऑफ हाफ डन आंसर द माउस, तो माउस कह रहा कि टॉप ऑफ की हाफ डन, इन दोनों में से कौन, दे आर सच ऑड नेम, ये तो बहुत ही अजीब नाम है, दे मेक मी वेरी थॉटफुल, ये मुझे सोचने को भी मजबूर कर रही हैं। हियर यू सिट एट होम सेड द कैट, कैट ने कहा माउस को कि तुम यही बैठे रहो, इन योर डार्क ग्रे फर कोट एंड लॉन्ग टेल एंड फिल्ड विद फैंटेसी, दैट्स बिकॉज यू डोंट नो डू नॉट गो आउट इन द डे टाइम, और जैसे कि तुम्हारा ग्रे कलर के फर कोट यानी कि तुम्हारी जो फर है वो ग्रे कलर के है, तुम्हारी लंबी पूछ है, और तुम फैंटेसीज का मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हो कुछ अच्छी चीजों के बारे में, और इसलिए तुम ऐसे हो, तो तुम डे टाइम में ऐसे बाहर मत जाओ। ड्यूरिंग द कैट्स एब्सेंस द माउस क्लीन द हाउस, और फिर से माउस ने साफ किया घर को, पुट इट इन ऑर्डर, बट द ग्रीडी कैट एंटायरली पिटेड द पॉट ऑफ फैट, और अब जो ग्रीडी कैट है लालची कैट है उसने पॉट ऑफ फैट को खाली कर दिया था। व्हेन एवरीथिंग वाज ईटन अप द कैट रिटर्न बैक होम, और जब सब कुछ खा लिया तो कैट वापस आ गई घर। द माउस एट वंस आस्क्ड व्हाट नेम हैड बीन गिवन टू द थर्ड चाइल्ड, और जो माउस है उसने फिर से पूछा कि अब जो थर्ड चाइल्ड है उसका नाम क्या रखा, दो का तो नाम रख दिया हाफ डन और ठीक है टॉप ऑफ, और ये जो थर्ड वाला है अब बताओ इसका नाम क्या रखा। इट विल नॉट प्लीज यू मोर देन द अदर सेड द कैट, He is called all gone. तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं होगी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुमने और नाम भी सुने तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई, अब इसका नाम हमने रखा all gone. तो फिर से माउस चिल्लाया all gone? That is the most suspicious name of all. ये तो बहुत ही suspicious का मतलब doubtful name है. I have never seen it in print. मैंने तो ये कभी नहीं सुना हुआ है. All gone. What can that mean? All gone. इसका मतलब हुआ क्या? तो ये पूछा माउस ने कैट से. तो स्टूडेंट यहाँ पे वेगर का मतलब है ले, बट जैसे कि माउस ने शर्त लगाई कैट से कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये नाम कैलेंडर में भी नहीं है, और सस्पिशियस का मतलब डाउट करना, उसको शक हुआ कि ऑल गोन पे कोई नाम हुआ इसका मतलब क्या होता है, तो अब शक हो गया उसको कैट पे, किसको, माउस को। सी शुक हर हेड
पुल्ड हर सेल्फ अप एंड ले डाउन टू स्लीप. उसने अपना सिर हिलाया, ठीक है, उसके बाद लेट गई जमीन में. फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ नो वन इनवाइटेड द कैट टू बी गॉड मदर. और इस टाइम के बाद किसी ने भी गॉड मदर को इनवाइट नहीं किया. बट व्हेन द विंटर हैड कम देयर वाज नो लॉन्गर एनीथिंग टू बी फाउंड आउटसाइड. और जब विंटर आ गई तो उनको जो वो पॉट ऑफ फैट था उसमें कुछ भी नहीं मिला. द माउस थॉट ऑफ देयर प्रोविजन एंड सेड कम कैट वी विल गो टू अवर पॉट ऑफ फैट विच वी हैव स्टोर्ड अप फॉर अवर सेल्फ. और यहाँ पे जो माउस था उसने कैट को कहा कि हम अब कहाँ पे जाएंगे जहाँ हमने पॉट ऑफ फैट रखा था. क्यों? क्योंकि अब विंटर आ गई थी और उसको याद आ गया कि जहाँ पे पॉट ऑफ फैट था हम वहां पे जाएंगे. और उसने कहा There was no longer anything to be found outside. अब तो कुछ बाहर खाने को नहीं मिल रहा है. जैसे हमने प्रोविजन किया था, हमने ये आपस में सहमति की थी और अपना बंदोबस्त जो किया था, तो अब हम चलते हैं, ठीक है, अब क्योंकि खाने को कुछ नहीं है तो हमने वो चीज उसी के लिए रखी थी जमा करके. कम कैट वी विल गो टू अवर पॉट ऑफ फूड विच वी हैव स्टोर्ड अप फॉर अवर सेल्फ. वी शैल एंजॉय दैट. चलो कैट हम चलते हैं वहां पे जहाँ पे हमने पॉट ऑफ फैट रखा है जो हमने अपने के लिए स्टोर किया था और हम उसको एंजॉय करके खाएंगे. तो कैट ने आंसर किया हाँ. You will enjoy it as much as you will enjoy sticking that dainty tongue of yours out of the window. और तुम उसको इतना ही enjoy कर पाओगे जैसे कि तुम्हारी जो dainty tongue है, बहुत ही pretty tongue है तुम्हारी, जो out of window यानी कि देखती रहती है किसी भी चीज को खाने के लिए. They set out on their way when they arrived the pot of fat certainly was still in its place. जब वो वहां पे चले गए तब उन्होंने देखा कि pot of place तो अपनी ही जगह है पर वो क्या है, खाली है. और माउस ने कहा alas, alas का मतलब बहुत दुख हो गए, अरे ये क्या हुआ. Now I see what has happened. Now it comes to light. और अब मुझे लग रहा है कि क्या हुआ होगा और अब मुझे क्या हो गया. अब मैं अंधेरे में था पहले, यानी कि मुझे तुमने उल्लू बनाया और अब मुझे जो सही बात है उसका पता चल गया है. The reason why you keep telling lie to me and Why are you lying to me? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मुझे अंधेरे में रखा, पर अब मुझे light का मतलब अब मुझे सच्चाई का पता चल गया. Now I knew the truth behind that. You are a true friend. You have devoured all when you were standing godmother. First top off, then half done, then will you hold your tongue? तुम तो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, तुमने तो मेरे से ऐसे ऐसे वादा किया था, तुमने तो कहा था कि तुम godmother की तरह वहाँ stand करने, यानी कि वहाँ ऐसा जा रही हो. तुमने कहा कि तुमने उनके नाम ये रखे गए top off half done, और तुमने अपनी जो जबान है वो उसके बाद जो कैट ने है जब उसने इतना सुना कि माउस बहुत बोलने लग गया है तो उसने बोला अपनी जो जवान है उस पर लगाम करो, बंद करो, मतलब जो भी तुम कह रहे हो. वन वर्ड मोर एंड आई विल ईट यू टू. अगर तुमने एक शब्द भी ज्यादा कहा तो मैं तुम्हें खा दूंगी. ऑल गोन वॉज ऑलरेडी ऑन द पुअर माउसेस लिप्स. और जो भी वो बोल ऑल गोन यानी कि वो बोलने वाला था तो उसके लिप्स के अंदर ही रह गए. वो ऑल गोन भी बोलने वाला था कि तुमने एक नाम जो बोला ऑल गोन भी, बट जब उसने देखा कि जो कैट है उसने उसको धमकी दे दी कि अगर तुम इससे भी ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें खा दूंगी, तो माउस यानी कि जो माउस के अंदर ही रह गया नाम कौन ऑल गोन वाला, और वो डर के मारे नहीं बोल सका, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं बोल सका. और उससे पहले कि कैट उस पे झपट गई थी और उसको खा लेती. ट्रूली दैट इज द वे ऑफ वर्ल्ड. और यही जो संसार है उसका रास्ता है. यानी कि इस वाली स्टोरी में हमको क्या सीखने को मिला स्टूडेंट, कि कभी भी कोई हम पे ट्रस्ट करे तो हम उसको डिसीव धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है. वी नेवर डिसीव दैट पर्सन हु ट्रस्ट ऑन यू हु ट्रस्ट ऑन अस, जो हम पे भरोसा करते हैं, और हमें कभी भी उनको बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए. जैसे हम उन पे भरोसा करते हैं वो भी हम उनको भी हम पे उतना ही भरोसा करना चाहिए और निभाना चाहिए. ऐसा ना कि एक ने भरोसा किया और दूसरे ने वो भरोसा तोड़ दिया. तो स्टूडेंट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. जब हम फुली किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो उसे भी हम पे ट्रस्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट ये जो स्टोरी है इसके राइटर है ब्रदर्स गेम. तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई कुछ वर्ड ला रखे हैं उनका मीनिंग हम पढ़ लेते हैं. शूक का मतलब हिलाना, ठीक है, जैसे कि उसने अपना सर हिलाया और सो गई. डेंटी का मतलब प्रैटी, प्रैटी टंग थी किसकी, कैट की. स्कार सेली का मतलब बहुत ही कम बोल पाया, कौन, माउस. और सीज का मतलब झपटना. स्वेलेट का मतलब जैसे कि वो जो बिल्ली चाहती थी उसको निगलना. अब हम ब्रदर्स गेम के बारे में पढ़ लेते हैं. द ब्रदर्स गेम वर जर्मन लिंग्विस्ट फोकलोरिस्ट. ये ब्रदर्स गेम है वो जर्मन लिंग्विस्ट है, ठीक है, लैंग्वेज भी आती है उनको, और फोकलोरिस्ट है, ठीक है, फोकलोरिस्ट है. जैकोब 1785 टू 1863 एंड विलहेम ग्रीम 1786 टू 1859, ये जो एल्डेस्ट थे फाइव ब्रदर्स में, ठीक है, दे आर बेस्ट नोन फॉर ग्रीम्स फेयरी टेल. और वो जाने जाते हैं ग्रीम्स के फेयरी टेल के लिए, जैसे कि थिंडर एंड हैंस मैशन, अ कलेक्शन ऑफ देयर फोकलोर. देयर लोक कथाएं बोलते हैं फोकलोर को स्टूडेंट, ठीक है, जो बहुत ही फेमस होती हैं लोगों में. देयर आर अराउंड 200 स्टोरी इन ग्रीम्स फेयरी टेल. ग्रीम्स फेयरी टेल में 200 स्टोरीज हैं और उसमें से जो बेस्ट नोन स्टोरी वो है हैंसल और ग्रेटल, स्नो व्हाइट, लिटिल रेड राइडिंग हुड और गोल्डन गूस एंड रंपल
स्टिल स्किन। ये स्टोरी इंस्पायर्ड है बहुत ही थियेटिकल बेलिटिकल सिनेमेटिक अडेप्टेशन से, क्योंकि वो जो है उनकी अपील कैसी है, वो लोगों तक कैसा मॉरल पहुंचाती है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि जो ट्रूथ हो, ठीक है, जिसको सब एक ही उससे देखें, जिसमें क्या ना हो कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो, जो ट्रूथ हो। तो ये ब्रदर्स किम के बारे में कुछ दे रखे हैं कि वो जर्मन लिंग्विस्ट और फोकलोरिस्ट थे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। अब हम करते हैं वोकैबुलरी का सेक्शन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट करने ही ऑप्शन, यानी कि देयर इज सो मैनी, मैनी तो नहीं होगा स्मोक में क्योंकि स्मोक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा मच, क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे आएगा मच, स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। सेकंड वन, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ फिश, फिश ठीक है, नंबर यानी कि फिश हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ आया, कहाँ पॉन्ड में कितनी फिश है। इट टेक्स मैनी अलॉट ऑफ टाइम, टाइम क्या है, टाइम क्या, मैनी यानी कि मैनी तो हम नहीं करेंगे, लॉट ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा स्टेशन पहुंचने में। सी यूजेस ओनली ओनली अ फ्यू अ लिटिल ऑयल, ऑयल यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने अ लिटिल लगाया, ठीक है, कुकिंग के लिए उसने बहुत ही कम यूज किया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हमने नंबर नहीं किया यूज, हम उसको गिन नहीं सकते, हमने उसकी अमाउंट कही, ठीक है, डेस्क में इतना कलेक्टेड हुआ। वी सो मच ऑन मैनी काउस, काउस को हम गिन सकते हैं, वी काउंट द काउस, हाउ मैनी काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सो वी यूज हियर मैनी। इज देयर एनी और मैनी शूप इन द बाउल, तो एनी का मतलब कुछ भी शूप है, यानी कि एनी क्या है, एक नेगेटिव को वो करता है, डिनोट करता है, ठीक है, तो कुछ भी सूप है यानी कि हमें नहीं पता उसमें कितना सूप है, मैनी तो नहीं होगा, कुछ भी है यानी कि एनी, तो यहाँ पे इसलिए ये यूज हुआ। और स्टूडेंट इनको, इन वर्ड को हमें रीअरेंज करना है, जैसे कि आपके पास फर्स्ट वन दे रहा है डेजर्ट आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई, तो इनको आप रीअरेंज करना है, आपके एग्जाम में भी आते हैं ये, तो हम इनको ऐसे रीअरेंज करेंगे, पहले इनका सेंस समझना पड़ता है, जैसे कि द इन दीज प्लेसेस लेस देन एनुअल रेनफॉल इज 25 सेंटीमीटर, तो इसमें हमने समझा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इन जगह में, इन दीज प्लेसेस जो एनुअल रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम है, तो हमने इसको ऐसे बनाया, इन दीज प्लेसेस द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। और जो सेकंड वन है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, डेजर्ट, तो बोलेंगे ना डेजर्ट कैसी, सहारा जैसी, तो डेजर्ट लाइक सहारा क्या रहती है, सूखी रहती है सालों तक, तो यहाँ पे आ गया डेजर्ट लाइक सहारा रिमेन ड्राई फॉर इयर्स। आपको सबसे पहले इनका हिंदी में समझना पड़ेगा मीनिंग, तभी आप इनका इंग्लिश में बना पाओगे। और यहाँ पे है बर्निंग हॉट द डे सच डेजर्ट्स आर ड्यूरिंग, तो स्लैश 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 से अलग किए हुए हैं, तो हम करेंगे सच डेजर्ट्स आर बर्निंग हॉट ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो डेजर्ट है ऐसी डेजर्ट है तो वो क्या हो जाती है, बर्न होती रहती है, बहुत ही गर्म होती है डे के टाइम पे, तो आपको पहले ये समझने पड़ेंगे हिंदी में, उसके बाद इनको रीअरेंज करें ढंग से और तब उनको राइट कीजिए। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो समझ में आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।